भजन संहिता अध्याय 91 भजन संहिता अध्याय 91 जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है डरेगा, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों उठा उठा लेंगे, ऐसा न हो कि वे तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने तेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा।